नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज एक ऐसे खुक्कार हत्यारे की कहानी है जिसने अपने रुमाल से किए थे 931 कत्ल। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भारत का वो सीरियल किलर जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, भारत का वो बेरहम कातिल जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी, भारत का वो हत्यारा जिसने बिना बंदूक या चाकू के 900 से ज्यादा कत्ल किए, भारत का वो सातिर जिसके कारनामों का जिक्र करने के लिए किताबें तक लिखी गई। इस सीरियल किलर के बारे में अब तो ना जाने कितनी कहावतें सामने आ चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि 19वीं सदी में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए वाकई में उसका नाम ही काफी था। उस सातिर किलर का नाम है बेहराम। बेहराम को ठग बेहराम भी कहा जाता है और उसे किंग ऑफ ठग्स का रुतबा भी हासिल है। दुनिया भर के अपराधियों की लिस्ट में लिखे तमाम सीरियल किलर्स के मुकाबले जो दहशत बेहराम के नाम की थी, ऐसा ना तो उससे पहले किसी की देखी गई और ना ही उसके बाद। बेहराम को ठग बेहराम भी कहा जाता था और किताबों में लिखा है कि बेहराम बेहद अनोखे तरीके से अपने शिकार की हत्या करता था। आज की क्राइम की कहानी उसी सीरियल किलर बेहराम की है जिसकी हैवानियत का किस्सा ना सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है बल्कि जिसके जुर्म के किस्से सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। मध्य भारत आज के मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1765 में बेहराम पैदा हुआ था। बचपन में बेहद सीधा साधा हुआ करता था, लेकिन उसकी दोस्ती उसकी उम्र में 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से हुई जो अपने समय का सबसे खतरनाक और सबसे खुकार ठग हुआ करता था। उसी अमीर अली ने बेहराम को ठगों की खतरनाक दुनिया से रूबरू करवाया था। एक बार ठगों की दुनिया में आने के बाद बेहराम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी ही बेहराम बेरहम ठगों का सरदार बन गया। बेहराम ने जब ठगों की दुनिया में कदम रखा उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अगले 10 सालों तक उसने इतने लोगों की हत्या की जिससे उसके नाम का खौफ दूर दूर तक फैल गया था। उस जमाने में बेशक आने जाने और खबरों को इधर से उधर पहुंचाने के साधन बहुत कम थे, बावजूद इसके बेहराम के जुर्म के कारनामों को दूर दूर तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। उसके नाम का खौफ इस कदर चारों तरफ फैल चुका था कि दिल्ली से लेकर झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, सैलानी, तीर्थयात्री और यहां तक कि पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बेहराम के नाम का साया सुनाई पड़ता था। उस दौर में अंग्रेज अफसरों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा है कि तब लोग आम तौर पर काफिलों और कारवां में सफर किया करते थे, लेकिन ठग बेहराम और उसके साथी पूरे के पूरे काफिले को ही गायब कर दिया करते थे। यहां तक पुलिस को किसी की लाश तक नहीं मिल पाती थी। कहते हैं कि बेहराम ने करीब 200 ठगों का ग्रुप बनाया था जो पूरे मध्य भारत में फैले हुए थे, और कहा तो यहां तक जाता है कि जो भी एक बार ठगों के इस गुट के चुंगल में फंसता था तो फिर माल और जान को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। जिस दौर में ठग बेहराम के जुर्म की हुकूमत थी, उस दौर में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पैर पसार रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बेहराम ने अपनी पूरी जिंदगी में 931 लोगों की हत्या की। हत्या करने का उसका अनोखा तरीका बेहद चौंकाने वाला भी है। उसके पास एक पीला रुमाल हुआ करता था और एक सिक्का। उसी सिक्के को रुमाल में डालकर वो अपने शिकार का गला घोट दिया करता था। इधर ठग बेहराम और उसके गिरोह का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। उधर इंग्लैंड में अंग्रेजी हुकूमत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों में घबराहट बढ़ने लगी थी। एक अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1822 से पहले ठग बेहराम का पता लगाने के लिए जितने भी अंग्रेज अफसर भेजे गए उन सभी की हत्या बेहराम ने कर दी थी। तब अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे तेज तर्रार और चालाक अफसर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमेन को हिंदुस्तान भेजा था। साल 1822 में कैप्टन विलियम हेनरी को मध्य भारत के नरसिंहपुर जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ठगों के गिरोह के बारे में पता लगाने के लिए हेनरी शहर शहर और जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर तैनात किया था। लॉर्ड बेंटिक का इरादा साफ था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का परचम चारों तरफ फहराना है।
लेकिन उनके सामने ठग बेहराम नाम की एक सबसे बड़ी रुकावट आकर खड़ी हो गई थी, जिससे अंग्रेज के अफसर भी डरते थे। तब लॉर्ड बेंटिक ने श्रीमैन को पूरी छूट दी और साथ में सेना की एक टुकड़ी, जिससे उनकी हिफाजत भी हो सके। कैप्टन श्रीमैन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए अपने मुखबिरों का जाल फैलाया और जल्दी ही उन्हें बेहराम के उस्ताद ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने का पता मिल गया। ब्रिटिश फौज फौरन दबिश देने अमीर अली के घर पहुंच गई, लेकिन अमीर अली उनके हाथ से फिसल गया और फरार हो गया। लिहाजा अंग्रेज अफसरों ने अमीर अली के परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1832 में अमीर अली ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को अंग्रेज फौज के हवाले कर दिया। लेकिन कैप्टन श्रीमैन को अमीर अली की बजाय ठग बेहराम का पता जानना था, लिहाजा कैप्टन श्रीमैन ने अपने हथकंडों से अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और ठग बेहराम का पता जान लिया। अमीर अली से ठग बेहराम का पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन श्रीमैन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साल 1838 में एक रोज बेहराम की किस्मत उसे कैप्टन श्रीमैन के सामने ले ही आई और अमीर अली की मुखबरी ने उसे अंग्रेजी हुकूमत के सिकंजे में फंसा ही दिया। अंग्रेज अफसर की डायरी में लिखी बात के मुताबिक जिस वक्त अंग्रेजी फौज ने बेहराम को पकड़ा था, उस वक्त उसकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी। अगले 2 साल तक अंग्रेजों की अदालत में ठग बेहराम के खिलाफ मुकदमा चलता रहा और 1840 में बेहराम को जबलपुर के पास कटनी में सलीमानाबाद में एक पेड़ में खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया था और उसके साथ लटकाया गया था 40 और ठगों को, जबकि कुछ ठगों ने अंग्रेज अफसर के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें सुधार गृह में भेज दिया गया था। कैप्टन श्रीमैन की रिपोर्ट में खुलासा है कि बेहराम के गिरोह में 200 ठग ऐसे थे जो हत्यारे थे और ये लोग सिर्फ एक ही तरीके से हत्या को अंजाम देते थे। रुमाल में सिक्के को डालकर शिकार के गले को घोट दिया करते थे और इसके बाद लाश को ये लोग कुएं में फेंक दिया करते थे। अंग्रेजों की डायरी से हत्या की गिनती 931 तक पहुंचती है, लेकिन ये भी सही है कि ये शायद आखिरी गिनती नहीं है। अंग्रेज अफसरों ने ये बात भी अपनी डायरी में लिखी है कि इस गिरोह ने इससे भी ज्यादा लोगों की हत्या की होगी। कैप्टन श्रीमैन की तफ्तीश की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि बेहराम ठग और उसका गिरोह एक खास तरह की भाषा में बात किया करते थे जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों के जासूसों ने भी उस भाषा को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो लोग भी डिकोड नहीं कर सके थे। ठगों की जुबान में उस भाषा को रामोसी कहा जाता था। ये एक तरह की सांकेतिक भाषा थी जिसमें वो अपने शिकार, उसकी स्थिति, उसकी ताकत, उसके पास मौजूदा सामान और उसके आसपास के माहौल के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते थे। ठगों का ये गिरोह अक्सर जिस काफिले को लूटता था उसमें एक मुसाफिर की शक्ल में शामिल हो जाता था, जबकि उसके गिरोह के बाकी लोग कुछ दूरी बनाकर चलते रहते थे। लेकिन जब काफिले के लोग रात में सो जाते थे तो ये ठग गीदड़ के रोने की आवाज से हमले का इशारा कर देते थे और एक साथ हमला होने की सूरत में काफिले के लोगों के पास बचाव करना मुश्किल हो जाता था और ये लोग अपने पीले रुमाल और सिक्कों की मदद से लोगों का गला घोट देते थे। अंग्रेजों की अदालत में चले मुकदमे के दौरान खुद ठग बेहराम ने अपने बारे में बताया कि खुद उसने अपने हाथों से 150 से ज्यादा लोगों को मारा है, जबकि उसने ही अपने गिरोह के तमाम लोगों को मारने का तरीका सिखाया जिसमें हथियार की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1790 से लेकर 1838 के बीच पकड़े जाने से पहले ठग बेहराम ने कुल 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।